जिला चिकित्सालय बांदा में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस शिविर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। डॉक्टर आर एन प्रसाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर उदय भान सिंह जिला नोडल अधिकारी, डॉक्टर एम सी पाल, डीपीएम कुशल यादव, भाजपा अध्यक्ष उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी एवं अन्य लोगों ने सरस्वती माता की प्रतिमा में माला चढ़ाकर शिविर को प्रारंभ किया। भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि इस कोरोना काल में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें एवं आए हुए कोरोना योद्धा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि मानसिक रोग आम रोगों की तरह होता है, इसमें डरना नहीं समझना जरूरी है। इसी क्रम पर नोडल अधिकारी डॉक्टर एम सी पाल ने बताया कि आज 10 अक्टूबर को प्रति विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में मानसिक एक कक्ष है जिससे निरंतर मानसिक लोगों का उपचार किया जा रहा है। आज इस शिविर पर लैब टेक्नीशियन, मानसिक सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मी एवं मीडिया कर्मी, सभी स्टाफ के लोगों को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित पत्रकार धर्मेंद्र सिंह, संदीप पटेल, पूरन राय बड़कू, कुलदीप इत्यादि सफाई कर्मी स्टाफ को दिए गए सम्मान पत्र। सर, राष्ट्रीय मानसिक दिवस पर किस प्रकार का कार्यक्रम रहा? ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जी, ये 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है जी। इसका काफी भव्य कार्यक्रम होता है क्योंकि अब कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोगों का ज़्यादा भीड़ बढ़ाना के हम लोग आवश्यकता नहीं समझे, क्योंकि पहला तो ये है कि हमें कोरोना से बचाव की पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा मेन उद्देश्य था कि बच्चे जो हैं और जो यंग लोग हैं सबको जो है जागरूकता करना है, और जागरूकता के साथ साथ उनको ये भी बताना है कि मानसिक में कौन कौन हमारी टीम है, चिकित्सक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो 7-8 लोग हमारे जो है मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम जो हमारा मैंने कहा जिला चिकित्सालय लोग का एक कमरा है निर्धारित है, उन सबको हमें परिचित भी कराना मेरे उद्देश्य था। और पहले क्या था कि कोरोना काल में सब जगह ओपीडी बंद करा दी गई थी, तो उस दौरान क्या हुआ था कि इनको सबके दूरभाष नंबर जो भी रोगी मानसिक से ग्रसित थे तो टीम को दे दिया गया था, जिससे उनके घर में भाई दूरभाष के क्रम में उनको घर में आशाओं के माध्यम से दवा दिलाना था, जिनकी हर गांव-गांव में मौजूद रहती है उसको भी बोल दिया गया था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी PHC CSC लेवल के हैं, उनको भी जागरूक कर दिया गया था कि जो भी मानसिक या टीबी से संबंधित जो भी इस तरह से बड़ी बीमारी है जिनका हमें लगातार इलाज की आवश्यकता है, तो हमारे फील्ड वर्कर में जो है वो वहाँ से समुचित वहाँ PHC CSC लेवल से दवा लेके और उनको घर तक पहुँचा। और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हमारे हाथी हैं भिजवाना गया था कि आप कार्यक्रम दिवस पर कुछ सम्मानित पत्र बांटे गए हैं, तो उसमें से स्टाफ के लोग कितने थे और किन किन को बांटे गए हैं? अब स्टाफ में मेन चिकित्सा कर्मी थे और साथ में लैब टेक्नीशियन जो मेन जांच करता है, सफाई कर्मचारी, साथ में हमारे जो पुलिस विभाग की टीम लगी रहती थी, जहाँ भी कंटेनमेंट जोन होता है वहाँ पुलिस निर्धारित करती है तो वहाँ पुलिस के लोग भी रहते हैं, टीम हमारी जाती है सैंपल लेने या हत्या पड़ती है तो उनको दे दिया गया था। और इनके साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता, जो इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। सर, टोटल कितने पत्र बांटे गए? पत्र लगभग मैंने जो देखा है 40-45 के आसपास टोटल पत्र दिए, जिसमें से 25-30 लोग जो है 25 लोग तो कम से कम हमारे जो है कर्मी हैं और 10-15 लोग हमारे स्वास्थ्यकर्ता या सैनिक 8-10 लोग। सर, क्या नाम है आपका, क्या पद है? सर, मेरा डॉक्टर एम सी पाल, टोटल ऑफिसर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हूँ, साथ ही साथ ही।